नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से गर्मी अपना इस समय प्रचंड रूप दिखा रही है और पारा कहीं ना कहीं 42 से 45 डिग्री के बीच में है, तो ऐसे में स्कूली विभाग द्वारा कल देर रात जो है एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें बच्चों के स्कूल टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है। यानी कि बच्चे अब जो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक स्कूल में अपनी पढ़ाई करेंगे और फिर उसके बाद जो है उन्हें छुट्टी हो जाएगी। इस समय मैं हूँ एक स्कूल के बाहर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों का इंतजार करते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और ऐसे में इस डिसीजन के बारे में क्या कुछ लोगों का कहना है, आइए जानते हैं। सर, कल एक ऑर्डर जारी किया गया स्कूल एजुकेशन की तरफ से, जिस तरह से गर्मी इस समय काफी ज्यादा बढ़ रही है, स्कूल टाइमिंग को चेंज किया गया है, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? मैं वही बता रहा हूँ, एक आपसे अभी के कुलीग्स उन्होंने पूछा, तो गवर्नमेंट ना एनवायरमेंटल सेंसिटिव हो गया है कि उसको गर्मी सर्दी की सेंसिटिविटी का एडवांस में अब जजमेंट लेना शुरू कर दिया कि इससे पहले कि कैजुअलिटी हो, किसी को गर्मी का हीट स्ट्रोक हो बच्चों को, तो क्योंकि अभी जम्मू में सिर्फ 41-42 डिग्री है और NCR इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में 45 से क्रॉस कर चुका हुआ है टेम्परेचर, तो 47 तक भी जा चुका है। तो गवर्नमेंट इस बार प्रीएम्प्टिव स्टेप ले रही है और इलेक्शन चल रहे हैं, पोलिंग चल रही है, इससे पहले कि उन पर कोई ये दाग लगे भी देखो आप इलेक्शन में बिजी हो और आपके अपने वोट की खाने की दिक्कत, आपको बाकी चिंता नहीं है, तो उन्होंने एटलीस्ट पानी की चिंता नहीं की, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव होकर उन्होंने बच्चों की चिंता कर ली, तो काश वो बाकी चीज़ों में भी इसी तरह फटाफट एडवांस में सेंसिटिव हो जाएं। जब राशन महंगा हो रहा है, गैस महंगी, तेल महंगा हो रहा है, तो वो और सेंसिटिव हो जाए तो और लोगों को और अच्छा लगेगा। तो एटलीस्ट उन्होंने, अब पता नहीं ये डेलिब्रेटली क्या या बाई चांस इलेक्शन को देखे हुए एक स्टेप ले लिया है, तो इसको सभी वेलकम करेंगे कि ठीक है, अच्छी बात है, इससे पहले कि गर्मी बढ़े उसकी वजह से बच्चों को दिक्कत हो, तो उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव स्टेप लिया, इट्स गुड। सर, आपने कहा है कि जिस तरह से एटमॉस्फेयर इस समय देखा जा रहा है, गर्मी काफ़ी अपना ज़्यादा जो है उग्र रूप दिखा रही है, तो इसमें ऐसे में गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लिया है, लेकिन अगर बात की जाए पिछली सर्दियों की, तो पिछली सर्दियों में जब सर्दियां अपना चरम पे थी तब भी इस तरह से जो है छुट्टियां डाली गई। हाँ, क्लाइमेट चेंज है, गवर्नमेंट अब थोड़ा सा शायद एजुकेटेड हो गई है, इससे पहले भी होता था लेकिन गवर्नमेंट तभी इतना ध्यान नहीं देती थी, तो अब शायद कुछ लोगों का प्रेशर है, लोगों की आजकल की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो लोगों को गवर्नमेंट को प्रेशर करती है कि इसके बारे में सोचा जाए, तो शायद जो थोड़े बहुत गवर्नमेंट में बैठे हैं जिनका ध्यान कम होता है इन चीज़ों में, अब वो ध्यान देना इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि लोगों का प्रेशर आता है, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे एसोसिएशन होती है, वो प्रेशर करती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे इतना, क्योंकि उसको कुछ ना इससे टैक्स मिलना ना कोई बेनिफिट मिलना है, वो सिर्फ लोगों की बातों का जवाब देने के लिए कभी कर लेते हैं टाइम पे एक्ट करते हैं, कभी टाइम पे एक्ट नहीं करते, तो उनको इस बार लगा कि नहीं लोगों का प्रेशर है तो चलो कर लो, क्योंकि इससे पहले कि गर्मी अपना रूप असर तो दिखाती है और 47-40 डिग्री जो NCR में है वो है, तो वो रियलिटी अभी यहाँ थोड़ी सी दूर है, तो उन्होंने एज ए पार पूरे इंडिया को एक वन गो में लिया, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये पहली बातें शायद वहीं होती जहाँ पर ज़्यादा हीट वेव है। तो हीट वेव के चलते जो है अभी जब समर जोन में जितने भी स्कूल हैं सरकारी या प्राइवेट स्कूल, वहाँ पर जो है छुट्टियाँ, मतलब इस समय जो है स्कूल टाइमिंग चेंज कर दिया गया है, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है बच्चे स्कूल में आएंगे और पढ़ाई करेंगे, और जिसको लेकर पेरेंट्स का ये कहना है कि इस समय जो सिचुएशन चल रही है गर्मी की, NCR की बात की जाए तो इस समय नॉर्थ इंडिया में जो है गर्मी अपना जो है उग्र रूप दिखा रही है, और ऐसे में सरकार का जो ये डिसीजन है उसको लोग यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं। क्या असर करती है आपके सितारों की चाल आपके जीवन पर? 12 राशियां और 12 राशियों की ग्रह चाल के बारे में हर हफ्ते हम बात करेंगे जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता जी से। किन किन ग्रहों से आपको मिल सकती है सफलता और किन ग्रहों से आपको उठाना पड़ता है जीवन में नुकसान? सबको नमस्कार, सभी दर्शकों को, जो भी ग्रेटर जम्मू के दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। वो हमें बताएंगी कि किस तरह से ग्रह चाल अपनी स्थिति बदलकर हमारे जीवन पर कितना डालते हैं असर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर सोमवार, जिस पर हम बात करेंगे डॉक्टर सरिता जी के साथ आपकी 12 राशियों के बारे में। सर, जिस तरह से इस समय भीषण गर्मी चल रही है और ऐसे में स्कूलों का टाइम में बदलाव किया गया है 8 से लेकर 12 बजे तक, उन्होंने बहुत अच्छा किया टाइमिंग, अभी छुट्टियाँ वगैरह जल्दी पड़ जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है इसकी वजह से थोड़ा सा देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है इस। अच्छा स्टेप लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। छुट्टियाँ पड़ जानी चाहिए, गर्मी बहुत है, बच्चे जो है उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, खासकर पेरेंट्स को भी, तो उस पर आपका क्या है? वही कि हम काम से फिर से आते हैं बच्चों को लेने, काम पे भी जाना होता है, गर्मी भी होता है, बच्चे भी परेशान होते हैं गर्मी की वजह से, तो छुट्टियाँ पड़ जाए तो वो अच्छा है।
तो जैसे आपने देखा यहाँ पर जो है बच्चे इस समय 12 बज चुके हैं और छुट्टी बच्चों को हो चुकी है, और ऐसे में पेरेंट्स का ये कहना है कि जिस तरह से भीषण गर्मी इस समय चल रही है और ऐसे में स्कूल्स को जो है समर वेकेशन जो है वो डाल देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इसमें मुश्किलों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी जो है काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है। और भी लोग हैं यहाँ पर, जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। बच्चों को स्कूल में छुट्टियाँ डाल दी, मतलब टाइम चेंज कर दिया गया है 8 से लेकर 10-12 बजे तक, तो क्या कहेंगे आप? ठीक है मैम, गर्मी बहुत हो रही है ना। हाँ, तो पहले स्कूल का टाइम क्या था मैम? 1:40। अब 12 बजे कर दिया गया तो कितना फ़र्क लग रहा है? हाँ मैम, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है मैम। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, स्कूलों का टाइम चेंज कर दिया गया है, गर्मी भी इस समय अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, और जहाँ बच्चों का इस समय सवाल है, बच्चों का क्या कहना? बच्चों की काफ़ी समस्या का हाल पड़ती है, मुश्किल पड़ती है, वो भी चाहते हैं कि हमें छुट्टियां पड़ जाएं। आप क्या कहते हैं, इस समय कई स्कूलों में एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं? हाँ, वो उन्होंने एग्ज़ाम पहले ले लिए हैं, कुछ स्कूलों में छुट्टियां भी पड़ गई हैं। इन स्कूलों में अभी पेपर शुरू हैं, फर्स्ट पेपर है इनका, तो अब इनके पेपरों के बाद शायद छुट्टियाँ डाल देंगे। तो आप क्या चाहते हैं, जितने भी यहाँ पर स्कूल हैं समर जोन में, उनको छुट्टियाँ डाल देनी चाहिए? जी जी, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, बच्चों के काफ़ी बीमार भी हो रहे हैं, इसे पहले छुट्टियाँ डाल दें तो बेटर रहेगा। तो आपने देखा जैसे कि इस समय गर्मी जो है वो अपना भीषण रूप इस समय दिखा रही है, और इस समय पेरेंट्स का यही कहना है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में स्कूली विभाग को चाहिए कि सोच विचार कर जल्द से जल्द जो है बच्चों को जो है छुट्टियां डाल दें, ताकि इस भीषण तपती गर्मी में जो है बच्चों को जो है बीमार, जो बच्चे हैं इस समय बीमार हो जाते हैं इस गर्मी में, क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट पेरेंट्स का ये कहना है कि स्कूल को जो है जितने भी शिक्षा विभाग द्वारा जो है इस समय छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है, क्या इस समय जो स्कूली विभाग की तरफ से डिसीजन लिया गया है क्या वो सही है, कितना, और क्या समर वेकेशन जो है वो जल्द से जल्द डाल देनी चाहिए, इस पर क्या आपके विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए, धन्यवाद।